फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज मैं बनाऊंगी चिकन पकोड़ा, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम चिकन ली हूँ, मतलब हाफ के जी, आधा किलो चिकन ली हूँ। चिकन को मैंने ऐसे टुकड़े में काट कर लिया, ऐसे ऐसे पीसेस कर लिया, ये देखिए ऐसे। चिकन को मैं मैरिनेट कर लूँगी। मैरिनेट करने के लिए मुझे चाहिए यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी जीरा पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, बेसन, नमक, अदरक लहसुन की पेस्ट और ये कॉर्नफ्लावर, मैदा, और ये सारा मिक्स करके थोड़ी सी विनीगर डाल दूंगी। यहाँ पे मैंने विनीगर भी ले ली हूँ और काली मिर्च पाउडर। जब मैं मैरिनेट करूँगी सारा डालूंगी, दिखाऊंगी। फ्राई करने के लिए चाहिए हमें रिफाइंड ऑयल, मतलब सफ़ेद तेल, सादा तेल चाहिए फ्राई करने के लिए। मैं चिकन ले लूँगी, अदरक लहसुन की पेस्ट 2 टेबलस्पून, प्याज काट के रखी थी ये सारा ले लूँगी, हरी मिर्ची भी काट के रखी थी ये भी सारा डाल लूँगी इसी में ही, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक, थोड़ी सी यहाँ पे ये ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च पाउडर मैं डाल दूँगी। ये आप अपने हिसाब से अंदाजे से डाल सकते हो। 1 टेबलस्पून में विनीगर ले लूँगी, बेसन ले लूँगी 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून या मैंने मैदा ले लिया। मैदा इसलिए लिया जाता है इससे कोटिंग अच्छी होती है, और कॉर्नफ्लावर भी ले लूँगी, 1 टेबलस्पून में कॉर्नफ्लावर ले लूँगी। ये कॉर्नफ्लावर है, ये मैं 1 टेबलस्पून ले लूँगी। 1 अंडा ले लूँगी, 1 अंडा देखिए ऐसे मैंने मैरिनेट कर लिया। अब इसको एक ढक्कन लगा के ऐसे अब फ्रिज में डाल देंगे। अब आधा घंटा हो चुका है तो मैं फ्रिज में से निकाल लूंगी। देखिए मैंने ये निकाल लिया, ये ऐसे अच्छे से सेट हो चुका है फ्रिज में बिल्कुल। अब एक लोहे के कढ़ाई लेंगे और उसमें जो मैंने रिफाइंड ऑयल ली थी रिफाइंड ऑयल डाल दूंगी। थोड़ी और तेल चाहिए तो मैं थोड़ी सी तेल और डाल दूंगी। तेल बिल्कुल अच्छे से पहले गरम कर लेना है, उसके बाद बिल्कुल धीमी आंच पे एक एक पकोड़ा स्पून से लेके छोड़ लेना है तेल पे। मेरी बेटी छोड़ रही थी, मैं वीडियो बना रही थी, उसको बहुत अच्छा लग रहा था पकौड़ा बनाने के लिए। वो बोल रही थी मैं बनाऊंगी, लेकिन मैंने पूरा मैरिनेशन कर रखा था। देखिए एक तरफ हो जाएगा तो पलट देना है, ऐसे बिल्कुल धीमी आंच पे पकाना है। अब हमारे पकोड़ा एक तरफ हो चुका है तो दोबारा दूसरी तरफ को पलट लेंगे। धीमी आंच पे धीरे धीरे पकाते रहना है, जो जो नहीं हुआ है एक तरफ को उलट देंगे एक एक करके पकौड़े। ऐसे ही ब्राउन कलर आ जाएगा, देखिए यहाँ मेरी ऐसे कलर आ चुका है। अब मैं निकाल लूँगी, एक प्लेट ली हूँ उसमें सारे पकोड़े निकाल लूँगी। गैस के आंच बिल्कुल धीमी रखना है, अच्छा लगता है, करारे बहुत बनते। अगर चावल का आटा होता ना तो इसमें डाल दो तो और करारे हो जाते, तो मेरे पास तो चावल के आटे थे नहीं। तो वीडियो देखना फ्रेंड्स, अच्छे लगे तो कमेंट करना, लाइक शेयर कमेंट करना। यहाँ मेरी जूस था तो, और ये दोनों गिलास में जूस निकाल लूँगी, थोड़ी थोड़ी सी, ज़्यादा था नहीं, थोड़ी थोड़ी सी थी, तो जूस के साथ ही खाएंगे, पकोड़े खाएंगे और जूस पिएंगे, अच्छा लगता है। वैसे यहाँ मैंने केचप भी ली, सॉस और चिली सॉस भी ली हूँ, मुझे चिली सॉस अच्छी लगती है।
दोनों ग्लास में जूस को डाल लिया। सारे पकोड़े तो नहीं तले, आधे पकोड़े निकाल चुकी थी। मैंने बोला जा जाके खा ले गरम गरम, तब तक अपने पापा के साथ मेरी बेटी को बोला। तो थोड़ी सी पकोड़े और तल लेंगे, ये इतना हुआ है। अभी आधे पकोड़े ये मैंने कढ़ाई में रख दिया, देखिए तलने के लिए। ये भी तल जाए तब सारे ये एक एक करके छोड़ दिया। सारे पकोड़े तल लिए मैंने यहाँ पे, अब खा लेंगे। आप लोग भी बनाइए, ऐसे ही बनाइए जैसे मैंने दिखाया, और बनाकर खाइए। कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट पे, और वीडियो अगर मेरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताना मेरी वीडियोस कैसे लगती है। तो ये देखिए जूस, जूस के साथ केचप, चिली सॉस, पकौड़े, और पकोड़े गरम गरम ही अच्छे लगते, वो भी सर्दियों के मौसम में। तो कोई सा भी पकोड़े हो, यहाँ मैंने देखिए एक पकोड़े लेके आपको दिखा देती हूँ कैसे अंदर से चिकन भी पक चुका है, बहुत गरम है, मैंने तोड़ दिया इसका, अच्छा लगता है खाने में। चिकन बिल्कुल पक चुका था और बहुत टेस्टी बना था, अंदर तक मसाला चला गया था। बाद में मैंने 2 कप चाय बना के ले आई, हम ब्लैक टी पीते हैं। तो थैंक यू।